तो क्रॉस करके फिर रुकेंगे हम। वाह, मेरी तो बाइक की साउंड नहीं मजा पा दिया। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। और जैसा आप देखते हैं मेरे चैनल पे, हम काफ़ी सारी बाइक्स को कवर करते हैं, उनके रिव्यू बनाते हैं, ओनर रिव्यू बनाते हैं, और जेन्युइन फीडबैक और जेन्युइन रिव्यू मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। आज का ये जो वीडियो है बेसिकली ये उसी पे कंटिन्यूशन रहेगा। तो पीछे जैसे आपने देखा, मैंने अपनी जावा का भी रिव्यू किया था, 42 का भी किया था, 2.1 का, और स्क्रैम्बलर का भी किया है, और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं। तो आज की जो वीडियो है ये एक सरप्राइज़ है। यस, आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा रॉयल एनफील्ड। जी हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इस रॉयल एनफील्ड मिटियोर को। तो अभी मेरे साथ मेरे फ्रेंड अंकुर हैं, आप इनसे मिल ही चुके हो लास्ट वीडियो में जब हम राइड पे गए थे। तो अभी इनके पास है रॉयल एनफील्ड मिटियोर, और इनसे हम पूछेंगे मिटियोर के बारे में, इनके क्या व्यूज़ हैं। एनफील्ड सबके दिलों की धड़कन, राइट? सो इवन आई प्लान फॉर 3 ईयर्स फॉर इन्वेस्टिंग इन मेट्योर, बट दिस प्रूव टू बी राइट इन्वेस्टमेंट। सो मेट्योर, व्हेन आई परचेज, दिस इज़ द न्यू बाइक विच वॉज लॉन्च्ड, और मेरी थी क्लासिक, लेकिन जब इसकी टेस्ट ड्राइव ली तो इसकी स्टेबिलिटी और इसकी ब्रेकिंग वो यूनिक सेलिंग पॉइंट थी। लेकिन अब मेरे को एक साल तीन महीने हो गए इसको चलाते हुए, तकरीबन 3800 किलोमीटर भी मैंने चलाई है इसको, दो तीन लॉन्ग ट्रिप की है। इसके तीन खास पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, विच दिस रूल ओवर एनफील्ड नॉर्मल बुलेट। एक तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत स्टेबल है, सेंटर ग्रेविटी इसकी बहुत अच्छी है। दूसरी, इफ़ यू सी, मैंने इसकी जो सीट चेंज करवाई थी मैन्युफैक्चरर से कस्टमर्स, उस सीट का नाम है टूर, टूरिंग सीट, एनफील्ड के थ्रू ही मैंने इनसे चेंज करवाई थी। इस सीट के ऊपर आप चाहे नॉन स्टॉप 500 से 600 किलोमीटर भी चले जाओ, मजा आपकी बैक पेन हो जाए। तो जो हमारी लो टेल बोन में पेन रहती है नॉर्मल, जो जनरली बाइकर्स को प्रॉब्लम रहती है, इस सीट से बहुत अच्छा मुझे फ़ायदा हुआ। और तीसरा, इसकी दूसरी, इसकी स्टेबिलिटी तो मैंने आपको बताया ही, तीसरी जो इसकी राइडिंग कम्फर्ट है और वाइब्रेशन, जो जनरली हमारी नीज में, एल्बोज में जो जर्क आता है या नीज में जर्क आता है, वो जर्क इसमें मुझे अभी तक फील नहीं हुआ। बाकी थैंक्स टू द रोड्स, हिमाचल की रोड्स भी बहुत अच्छी हैं अब, लेकिन जो क्वालिटी है, राइडिंग क्वालिटी इसकी बहुत शार्प है। तो अंकुर, जैसा आप बता रहे थे इसको एक साल से ज़्यादा हो गया है, और आपने अभी बहुत ही कम चलाई है, 3585 ओवरऑल। आई थिंक आप कम ही चलाते हैं बाइक, बट यस, आप बताओ कि एक साल में इसका मेंटेनेंस कितना रहा और सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या रहती है इसकी। इसकी सर्विस, इसकी दो सर्विस हो चुकी है, तीन सर्विस हो चुकी है इनफैक्ट, और एक साल के अंदर तो सर्विस इसकी, जो लेबर तो फ्री थी, बट हाँ, जो मेरी अभी तक फर्स्ट सर्विस में 200-250 रुपये लगे थे, लेकिन सेकंड सर्विस में ऑयल चेंज हुआ था इसका, सो दैट कॉस्ट मी अराउंड 1000 पूरी सर्विस में लाके, जिसके अंदर एक मैंने इसकी कोटिंग भी करवाई थी। ओके। और बाकी सर्विस में बहुत ज़्यादा नहीं है, बैटरी इसकी अच्छी है, और 5000 किलोमीटर के बाद इसका ब्रेक ऑयल चेंज होगा, तो तब देखते हैं तब कितनी कॉस्ट आती है। अभी इसकी सिर्फ एक बार इंजन ऑयल चेंज हुआ है तीनों सर्विस के अंदर, ऐसे मेरी राइडिंग कम है, सिर्फ वीकेंड पे या लॉन्ग राइड्स पे जब जाना होता है तभी मैं इसको यूज़ करता हूँ, डेली राइडिंग मेरी नहीं है बाइक पे, तो इस हिसाब से, बट आई थिंक इट इज प्रूव टू यू अ गुड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मैं आपकी बाइक पे देख रहा हूँ, दिस इज अ कस्टम बिल्ड, तो आपने इसमें क्या क्या कस्टम कराया था बेसिकली? ये शेडो आ रही है थोड़ी, तो दिस इज लाइक कस्टम बिल्ड फॉर APS भाटिया February 2021। तो इसमें आपने क्या क्या कस्टम बिल्ड कराया था? ये बाइक मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी थी, और ऑनलाइन में कस्टम करने की ऑप्शंस थी, जिसमें कॉन्फ़िगरेटर पे आप एनफील्ड की साइट पे या ऐप पे जाके कस्टम कर सकते हो। तो मैंने इसके अंदर लगभग 5-6 ऑप्शंस थी एनफील्ड की ही साइट पे, तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया था। इसमें ओवल था, सर्कुलर था, राइट, और ये 3 लेग गार्ड था, प्लस इसमें कलर की ऑप्शन थी क्रोम फिनिश एंड ब्लैक फिनिश के अंदर, तो मैंने ब्लैक वाला ऑप्शन लिया। दूसरा ये था कि लोगो, इसमें स्टिकर की ऑप्शन थी,
क्रोम था, एक सिंपल क्रोम था और एक एम्बेडेड क्रोम था, ये मैंने चेंज कराया। तीसरा इसके अंदर मैंने जैसे आपको पहले बताया ये टूरर सीट ऐड करी, ठीक है। सीट के अंदर भी इसके अंदर 6 ऑप्शंस थी आपके पास में कलर के साथ में, देयर मल्टीपल कलर्स। अभी और भी सुना है मैंने ऑप्शंस आ गई हैं, तो ये सीट भी मैंने कराई थी। मतलब ये लेग गार्ड मुझे तकरीबन 5,000-5,500 का पड़ा था, सीट भी मेरे को तकरीबन इतने की ही पड़ी थी, और देन विंडशील्ड के अंदर भी 2 ऑप्शंस थी इसके अंदर, तो एक छोटी थी और एक ये थोड़ी सी बड़ी थी, तो आई ऑप्टेड फॉर दिस वन रॉयल एनफील्ड की। ये मैंने 3 ऑप्शंस चेक कराई थी। उसके बाद एक चीज़ और जो आपके फुट होल्ड है, ओके, फुट होल्ड भी मैंने कस्टमाइज़ करवाए थे। ये भी इसके अंदर भी आपके पास ऑप्शंस थी ब्लैक कलर की या क्रोम के अंदर या ग्रे कलर के अंदर, तो ये मैंने चेंज कराए थे। प्लस आपका ये टायर गार्ड, साड़ी गार्ड जिसको बोलते हैं, ये मैंने चेंज कराया था। और उसके साथ में उन्होंने मुझे ये कस्टम बिल्ड का स्टिकर साथ में लगा के दिया। अच्छा, रियर व्यू मिरर्स के अंदर भी इनके पास 3-4 ऑप्शंस थे। एक हैंडल पे नीचे करके जो पर्दे कॉल्ड फ्लोइंग मिरर्स आते हैं वो थे, इसके अंदर स्ट्रेट थे, ब्लैक और क्रोम में ऑप्शन थी, तो आई ऑप्टेड फॉर दिस। ओके, बाकी ये बैकरेस्ट इसमें बाय डिफॉल्ट होता है ये सीट के साथ, तो यानी कि जो आपने सीट परचेज की उसमें बैकरेस्ट भी इंक्लूडेड था। अच्छा, नॉर्मल मैट्योर में आता है बैकरेस्ट, लेकिन वो बड़ा मतलब ब्लैक कलर के अंदर और हल्का होता है। अच्छा, इसके अंदर ये सीट के साथ पूरा आता है, क्योंकि पूरा ये चेंज होता है। अच्छा, एक चीज़ एडवांटेज है इसकी, फैक्ट्री सीटेड होती है, जो पहली सीट लग के आती है वो सीट वो बाई बैक कर लेते हैं। ओके, उसका आपको तकरीबन 1500 या 2000 का डिस्काउंट मिलेगा। वेरी गुड, अभी मुझे नहीं पता, एक साल पहले जब मैंने लॉन्च की तब उन्होंने डिस्काउंट दिया था। अगर आप बाहर से आफ्टर मार्केट करवाते हैं तो फिर वो सीट्स आपकी वेस्ट है, उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो सीट सिर्फ मेट्योर में लगेगी, किसी और बाइक में लगेगी। तो अंकुर, इसमें आपको कोई डिसएडवांटेज या फिर आपको कोई इसमें ऐसा लैग लगा हो कि हाँ जैसे बाइक में इनिशियल कोई इशू आया हो जो सर्विस के बाद इम्प्रूव हुआ हो, या फिर अभी कोई इशू आपको फील हो रहा हो जो लेट आपको पता लगा हो, ऐसा कुछ? हाँ, 2 चीज़ें हैं। एक तो इसका जो मीटर है उसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी, ओके, जब इसका रिजर्व लग जाता है तो रिजर्व इसका बहुत सही बताता नहीं है। अच्छा, कई बार आप रिजर्व के बाद भी चला लोगे 10-20 किलोमीटर, उसके बाद रिजर्व शो करेगा कि फ्यूल है इसके अंदर, तो ये मैंने चेक किया था, तो बट दिस इज़ द कॉमन प्रॉब्लम, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके पास में, ठीक है। मे बी ये नेक्स्ट अपग्रेड करें उसमें हो सकता है। एक इसका नेविगेशन है गूगल के साथ बिल्ट इन, दिस इज़ द नेविगेशन सिस्टम, जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि वॉइस नहीं है, आपको डायरेक्शंस बताता है। दूसरा, इसमें आपके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन है, जो फ़ोन आपके पॉकेट में पड़ा है या बैग में पड़ा है, आपका फ़ोन बज रहा है, इस पर सिर्फ ये मैप से कनेक्ट होगा गूगल मैप से, और उसके अंदर कोई एडिशनल फीचर नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी मैंने देखा है, आई एम नॉट श्योर, होंडा के अंदर है, हाइनेस के अंदर आ रहा है, उसके अंदर आपको नंबर भी डिस्प्ले कर जाता है। अच्छा, कौन से नंबर से कॉल आ रही है, कॉल, हाँ उसमें आई थिंक कॉल मैसेज आपको सब बता देता है ऑन द गो। हो सकता है सेफ्टी फीचर के हिसाब से इन्होंने ना दिया हो, क्योंकि बाइक है, गाड़ी नहीं है, तो बट दिस इज व्हाट इट इज। दूसरा, इसका रियर टायर, हालांकि टायर अगर आप देखें तो टायर इन्होंने सीएट का दिया है, विच इज़ अ गुड क्वालिटी, बट इसका टायर थोड़ी ख़राब सड़कों पे या जब बारिश होती है तो स्लिप करता है। ओके, तो वो उसके अंदर एक चैलेंज है, वो टायर अभी चेंज करके ला रहे हैं मैंने सुना था। अच्छा, तो जो फैक्ट्री मेड टायर है इनका, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी नहीं है, बाइक के अंदर स्टेबिलिटी अच्छी है लेकिन रियर टायर की ग्रिप उतनी अच्छी नहीं है। प्लेन रोड्स पे बहुत शानदार, जैसे रोड आप देख रहे हो पीछे आपके, इन रोड पे बहुत शानदार है, लेकिन हल्की सी जहाँ पे बारिश हुई, पंकर आया नीचे, बजरी आई, या सड़क बहुत अच्छी नहीं बनी, तो ये दो जब राइडर पिलियन राइडर के साथ बैठे तो ये हल्का स्किड करता है, तो वो इसका एक सेफ्टी कंसर्न। ये इशू मेरे को जावा में भी दिखा, बिकॉज उसमें जो उन्होंने जैपर यूज़ किया था, हमारे जैपर, वो भी बहुत स्किड करता था, इसीलिए मैंने उसको चेंज किया। मैं भी अभी प्लान कर रहा हूँ थोड़ा बाइक अभी 5,000 किलोमीटर चले तो उसके टायर्स को मैं चेंज करूँगा, रियर टायर खास। तो एनफील्ड आपको जब आप बुक कराते हो तो ये भी ऑप्शन देता है कि आप इसका साइलेंसर चेंज कर सकते हो, हालांकि मैंने चेंज नहीं कराया, दिस इज़ द कंपनी फिटेड, बट बुकिंग के टाइम पे ही आपके पास 12 साइलेंसर की ऑप्शन है, जिसके अंदर कलर के ऑप्शन भी है, क्रोम एंड ब्लैक, प्लस इसका डिज़ाइन का ऑप्शन भी है। नॉइस डेसिबल के हिसाब से आवाज़ मीटियोर के अंदर आपको पता है आफ्टर स्टेज 6 आवाज़ बहुत कम है, तो उसके अंदर तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बट हाँ लुक एंड फील साइलेंसर की बहुत अच्छी है, तो अगर आप बुक कराते हैं तो साइलेंसर का चेंज कर रहे हैं तो 12 साइलेंसर की आपको ऑप्शन है कन्फिगरेट। अच्छा अंकुर, इसकी एवरेज कितनी होगी, कभी आपने निकाल के देखा या फिर वैसे ही? मेरे हिसाब से इसकी माइलेज 25-30 के बीच में होनी चाहिए। अच्छा, हालांकि मैंने अभी वेरीफाई मेजर नहीं करी है, बट मेरे हिसाब से 25-30 के बीच में होनी चाहिए।
और आप रिकमेंड करते हैं बायर्स को कि वो मिट्योर लें ऑन टॉप ऑफ क्लासिक? देखिए क्लासिक क्लासिक है राइट, अगर जिनको एक्चुअली बुलेट की फीलिंग लेनी है तो उनके क्लासिक, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि अभी क्लासिक के अंदर भी सेम मिट्योर वाला इंजन ही आ रहा है, तो जो पुरानी जो धक वाली क्लासिक की एक आवाज़ होती थी वो अब नहीं है आफ्टर भारत स्टेज 6, तो इंजन आपको सेम मिलेगा, आवाज़ सेम मिलेगी, राइडिंग कंफर्ट नो डाउट मिट्योर का मच बेटर है ओवर क्लासिक, लेकिन क्लासिक अपनी एक लीगेसी है, तो जिनको क्लासिक का शौक है वो क्लासिक पे ही जाएँ तो मैं रिकमेंड करूँगा, बट हाँ लॉन्ग ड्राइव जिनको पसंद है, सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा पसंद है, यू कैन गो फॉर मिट्योर ओवर क्लासिक। तो गाइज अभी आपने देखा ये मेरे साथ में अंकुर थे, मेरे फ्रेंड, इनके पास मिट्योर है, तो इस वीडियो में हमने आपको मिट्योर के बारे में बताया कि उसमें क्या उसका सर्विस कॉस्ट है, मेंटेनेंस क्या है और लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कंफर्ट क्या है, उसमें क्या पॉइंट्स अच्छे हैं, क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने अभी कवर करे अपने इस वीडियो में। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके कोई भी कंसर्न कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, ऐसे ही और वीडियोज़ भी लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए, तब तक के लिए आप मेरे वीडियोज़ देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।